क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान जी भाई। रहमान जी, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव भाई? माहौल सबके सामने है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, लद्दाख, हर चीज, लेकिन किसी पे कोई बोल नहीं रहा है। क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम मंदिर बनवा दिया। अब आप जनता ये इतनी पागल हो गई है, हमने वीडियोस देखी हैं, हर चीज कह रहे मोदी के नाम पे अगर कुत्ता खड़ा हो जाए हम उनको जिता देंगे। अब ये जनता को क्या करे, चप्पल से मारे भाई। देश किसी को नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? हिंदू दिख रहा है, मुस्लिम दिख रहा है, यही हाल चल रहा है भाई। इतना जान लीजिए देश का बेड़ा गर्क है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। ऐसे समझेंगे, ये ऐसे समझेंगे जिस दिन यहाँ डिक्टेटरशिप वापस आ जाएगी उस दिन ये समझेंगे, और उस दिन बहुत देर हो जाएगी। उससे पहले ये देश नहीं समझने वाला है, नहीं समझने वाला कोई। ये इतना जहर भर गया है आज के लोगों में कि वो उनको हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये हिंदू मुस्लिम कहाँ पे है? बस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो हिंदू है, उनमें जो मुसलमान है, वही दंगे करा रहे और आम जनता फैली जा रही है, और कुछ नहीं। ये मेरा भाई, ये इनको देखो, ये मेरा भाई है, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, आज तक हम लोगों में लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन यही अगर मतलब आप टीवी में जाके देखे, जो बड़े बड़े चैनल है वो ये दिखाने को तैयार नहीं है। वो लद्दाख का मुद्दा नहीं दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि एलविश यादव आज यहाँ गए, एलविश यादव वहाँ गए, आज मैक्सटन की लड़ाई हो गई, उनकी लड़ाई हो गई, जो मेन चीज है वो चीज कवर, वो कवर नहीं कर रहे हैं। आपके दोस्त जय बाबा भाई ये बिल्कुल करता, हम लोग साथ में करते। अब ये जय बोले कर रहा है, इसको ऐसे मार देता अभी ये कुछ नहीं कहेंगे, ये दोस्त है मेरे, प्यार चलता है ऐसे। ऐसे ही लोग तो जिता रहे हैं भाई, ये सिर्फ इतना जान लीजिए अभी हम लोग की मस्ती हो रही, और कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं भाई, बहुत ये सच नहीं है भाई, ये साथ में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है ये जो बात कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सरकारें करा रही है, पॉलिटिकल पार्टी सरकारें करा रही है भाई। भाई हम लोग ऑब्वियसली, हम लोग कई साल के हो गए भाई, कम से कम 4 से 5 साल हो गए होगा साथ में कैमरामैन सीखते हुए। आज तक भाई कभी आज तक का कभी कुछ नहीं लड़ाई हुआ। आप क्या करते हैं? प्रोफेशनल कैमरा। ये प्रोफेशनल कैमरा मैन, हम क्रिकेटर हैं। ये आप क्रिकेटर हैं जी? वोटर आईडी बन गया? हाँ वोटर आईडी बन चुका है मेरा, मैं अभी लिया नहीं हूँ बट मेरे पास ही है, घर पे रखा है। तो आप लोग वोट देंगे तो क्या मुद्दा रहने वाला है? आपको देंगे तो बीजेपी को देते हैं भाई, घर वाले बीजेपी को देते हैं तो हम लोग भी भाई कौन होते हैं भाई, बीजेपी को देंगे भाई। अपनी बात बता ना भाई, बीजेपी को क्यों देंगे या फिर अगर किसी दूसरे पार्टी को देंगे तो वजह क्या है देने का? ऐसे जैसे घर वाले कह दिए, घर वाले देते आए हैं भाजपा को इसीलिए देंगे, या कोई अपना मुद्दा है कि हाँ भाजपा ने कुछ अच्छा किया है इसलिए? भाई बात वो नहीं है भाई, देखो जो बड़े बुजुर्ग करेंगे भाई वही तो करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं ये? बड़े बुजुर्ग तो पहले कांग्रेस को दिया करते थे, तो भाई हमारी तरफ तो बीजेपी को देते हैं, तो भाई हम क्या करें? अच्छा आपकी तरफ, आपके घर वालों बीजेपी को हो गया भाई? क्या है इनका, ये है माइंड वॉश हो चुका है, इनके बाद माइंड वॉश हो चुका है, आज की जनरेशन का पूरा माइंड वॉश हो चुका है, कोई ऐसा नहीं बचा। अगर 100 लोग यहाँ खड़े हैं उनमें से 75 का माइंड वॉश हुआ होगा, 25 लोग सही बात बोलेंगे, 25 भी हम ज्यादा बोले 5 सही बात बोलेंगे हमको जहाँ तक लग रहा है। 95% भाजपा के साथ, 95% भाजपा के साथ इसलिए है क्योंकि एक तो व्हाट्सएप पे जो जहर फैलाया जाता है, उसने हिंदू के लिए कुछ करा है। अब ये हिंदू के लिए कुछ करा है, देश की मतलब आप ये कह लो वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है, उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे भाजपा ने कितने लाख रुपए लिए, करोड़ों मिले, हमको अमाउंट नहीं सही से याद आ रहा है, उनसे पैसे लिए, ईडी इनके हाथ में है, हर चीज इनके हाथ में, ये कोई भी अगर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इनकी स्कीम देखी, इन्होंने क्या किया था, ये कह रहे थे किसी को पता नहीं चलेगा कौन सी किसको फंडिंग कर रही है, लेकिन इन्होंने पेपर पे कुछ ऐसे केमिकल से लिखा था जो सिर्फ यूवी लाइट में दिखता था। अब भाजपा को तो ये पता चल जा रहा है, एसबीआई के पास ये सारा डेटा था, भाजपा को ये पता चल जा रहा है कौन किससे पैसा लिया, अगले दिन वो उसके पास ईडी भेज दे रहे भाई तुम हमें चंदा दो तब तुम्हारी कंपनी चलेगी, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश नहीं जा रहा तो किसकी तरफ जा रहा है? लोग ये नहीं समझेंगे, लोग को ये दिखेगा राम मंदिर बन गया, लोग को ये दिखेगा बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ये सिर्फ दिख रहा है, ये जो जहर पहले। अब आप कह रहे हो ये हिंदू की बात करें कि हिंदू के लिए, क्या हिंदू के लिए भाई? बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है वो, उससे आप पता नहीं कितने करोड़ों के रुपए लियो, आप गाय को माता मानते हो, अपनी माता के साथ तुम ये कर रहे हो, जो उनका कत्ल कर रहा है, जो उनका कीमा बना के बाहर बेच रहा है, तुम उससे चंदा ले रहे हो, इससे बड़ा आदमी क्या देखता? आदमी कुछ नहीं देख रहा भाई, अंधा हो चुका है, कहते रहे माइंड वॉश हो चुका है, सब माइंड वॉश हो चुका है। कैसे सही होगा भाई? ये सही तभी होगा जब ये बीजेपी जाएगी, और बीजेपी कैसे तब जाएगी जब हम जैसे लोग, हम जो यंगस्टर्स हैं, हम जैसे जब एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे, हर चीज देखेंगे, तभी बीजेपी जा सकती है। अब आप ये देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अरेस्ट करवाया, ठीक है, इन्होंने कराया, अब भाजपा ने अरेस्ट करवाया, भाजपा ने करा जी, हमने देखी जहां तक की वीडियो, अरविंद केजरीवाल की ईडी ने अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया, उनके ऊपर जितने चार्जेस लगे, एक चार्ज नहीं प्रूफ है, बस किसी ने बोल दिया, उनके कहने पे अरेस्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी शुगर 300 चली गई, उनको दवा नहीं दी जा रही थी,
उनको कल या परसों अभी दवा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कि स्कूल बनवाए, दिल्ली टैक्स फ्री की, पानी का टैक्स नहीं लग रहा है। भाजपा क्या करी, इन्होंने तेल बेच दिया, पानी बेच दिया, रेल बेच दिया, हवा बेच दी। सबसे अच्छा अडानी से खरीदने वाले, अडानी से खरीदने वाले, यहाँ देश में किसी को फायदा नहीं हो रहा, एक गरीब को नहीं फायदा हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है अडानी को फायदा हो रहा है, अंबानी को फायदा हो रहा है, और उसके अलावा किसी को नहीं फायदा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं गरीब, भाई आप राशन फ्री दे के उनका गला काट दे रहे हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम ये काम कर रहे हैं, हम इनको 500 रुपए दे रहे हैं, अब इनको हम ले जाके फिर रूम पे मार रहे हैं, इनका क्या मतलब हुआ। चलो राशन फ्री कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी आप देश की क्या हालत करते जा रहे हो। पंजाब, अरे सॉरी हरियाणा कौन से नंबर पे आ गया है वो बेरोजगारी में, देख रहा है ये कोई नहीं देख रहा है। जीडीपी कहाँ थी, कहाँ आ गई, ये जीडीपी बढ़ाने की बात किए थे, कह रहे थे गैस सिलेंडर 400-300 में देंगे, गैस सिलेंडर का रेट क्या है पता है किसी को। पेट्रोल कह रहे थे 60 रुपए है, कितने में देंगे, 40 में देंगे, पेट्रोल का रेट देख लो। ये ऐसे लोग क्यों नहीं समझा रहे, ऐसे लोग को हम क्या समझा भाई, अकेला कुछ नहीं होगा। जब हम जैसे ये चैनल जैसे, जब तक ये न्यूज नेटवर्क अगर सही चीज नहीं दिखाएंगे ये देश नहीं बदल सकता। और इतना जान लीजिए हर न्यूज नेटवर्क, ईडी और क्या नाम है बैंक्स जो हैं, सब मिलजुल के एक ही चीज को टारगेट कर रहे हैं, इस देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग के अंदर डर है किस चीज का पता है, मेरे अंदर जो है जो भी पढ़े लिखे हैं उनके अंदर बस एक चीज का डर है, वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप अगर आ गई तो राजा महाराजाओं के जमाने में जैसे होता था वही चीज दोबारा आएगी, आदमी गुलाम बन जाएगा फिर से, किसका, अंग्रेजों का ये गुलाम बन जाएगा देश, क्योंकि देश कर्जे में जा रहा है। जितनी सरकारों ने मिलके नहीं कर्जा लिया था, इस सरकार ने अकेले उतना कर्जा ले लिया है, कहाँ जाएगा देश, कुछ नहीं हो सकता भाई। आप कहीं ना आपका जैसे आप इनके बातों से सहमत है, हमने सुना ही नहीं अभी कुछ, थोड़ा बहुत सुना है। कह रहे हो कि सरकार डिक्टेटरशिप के तरफ जा रही है, डिक्टेटरशिप तानाशाही, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत है। सरकार ठीक लग रही है हमें तो, क्या अपना काम कर रहे हैं, सरकार ठीक ही ठाक है जो चल रहा है, अच्छी सरकार है। यही चीज हम कह रहे हैं भाई, ब्रेन वॉश क्या हुआ, मेरा काम हो रहा है भाड़ में जाए देश, और जब देश नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। सरकार क्या, सरकार ने कुछ नहीं करी, सरकार खाली अपना काम कर रही है, हम लोग कमाना खाना तो हम ही लोग पे ना, और जो सरकार से थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा वो तो मिलता ही है हमेशा। क्या लाभ मिल रहा है, इनसे पूछिए जरा, क्या क्या नहीं मिल रहा है बताइए आप। राशन फ्री, राशन, चलो ठीक है, राशन फ्री मिल रहा है, ठीक है। और ये कच्ची रोडें पक्की कितनी हो गई है, चलो ठीक है, ठीक है। और ये एक बात बताओ, बीजेपी की सरकार को कितने साल हो गए भाई, 10 साल हो गए, 10 सालों में ये रोड कैसे साल में बनी है, ये जो कुड़िया घाट वाली रोड है, गोमती नगर एक बार जाओ, गोमती नगर देखो जाके, भाजपा की देन नहीं है, ना मेट्रो भाजपा की देन है, ना गोमती नगर भाजपा की देन है, ये देन है तो भाई जो सही बात है। भाजपा सरकार को देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट लो 2014 में, अब ऐसी बात है तो हम दिखा दे रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आप अकेले फंस गए, इतने लोग भाजपा समर्थक भाई, इनके सामने बस एक ही चीज है, जिस दिन ये देश में डिक्टेटरशिप वापस आ जाएगी उस दिन ये लाइन पे आ जाएंगे, अभी इनको कुछ नहीं दिखेगा भाई। हम ना किसी भाजपा के सामने ही तो इतने लोग भाजपा सपोर्ट है भाई, तारीफ करें हम उसकी, क्या कहा हमने, पहली बात क्या कह दी, लोगों का माइंड वॉश हो चुका है, माइंड वॉश हो चुका है भाई। एक बात बताओ, सुनो माइंड वॉश कुछ नहीं हुआ भाई, अभी दुबई में जो ये हाल है, लोगों का कहना था कि लखनऊ में मतलब वहाँ भारत में मंदिर बना दिया गया इसलिए यहाँ हुआ। भाई ये बताओ, अल्लाह और भगवान सभी जगह होते हैं, तो मंदिर तो भारत में बनाया ना, तो दुबई में बाढ़ क्यों आ रही ये बताओ। दुबई में भी तो, सऊदीया में भी तो मंदिर बना भाई, मक्के मदीने की जगह मंदिर बना, तो यही चीज तो हमको नहीं समझ, देख रहे हिंदू मुस्लिम क्या किसी के दिल में है, किसी के दिल में नहीं है, ये था इसने क्या किया, हमने क्या कहा, आप समझ आ गए, सेटअप माइंड लेके चल रहा हिंदू मुस्लिम का। लेकिन ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि आपका माइंड वॉश हुआ है, या इतने जो लोग कह रहे हैं उनका। भाई मैं देश की बात कर रहा हूँ, ये किस चीज की बात कर रहे हैं ये तो देखिए, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ये रोड कब बनी, इस साल बनी, इनके पास अभी हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ है नहीं, इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया तो अभी काम की तरफ जा रहे हैं। क्या मेट्रो इनकी देने, चलो मेट्रो इन्होंने बनवाया, जितने स्टेशन थे मेट्रो के, उससे मतलब नहीं है, मेन मतलब ये था जो सही है वो सही है। अगर वहाँ पे राम मंदिर, अगर राम जी के शेष अवशेष पाए गए तो राम मंदिर बनाया गया, और जहाँ पर उससे थोड़ी 25 किलोमीटर दूरी पे मस्जिद भी तो बन रही है, जो जहाँ पे एक बात बताइए, राम मंदिर बना, ठीक है राम मंदिर बना, उस राम मंदिर को बनाने में कितने छोटे मोटे मंदिर, कितनी मस्जिद और कितने लोगों का घर उजड़ा, उसकी बात कर रहे हैं।
वहाँ के अयोध्या वासियों को तो मिला ही जिसमें भाई मुआवजा मिला और जिनको नहीं मिला जो उसमें कुछ कर नहीं सकते फिर क्या कर सकते हैं। अब मस्जिद बनेगी वो मस्जिद बना रहे ठीक है मस्जिद बना रहे मस्जिद बनाने में उनको पैसा भी मिला उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई है वो अपने खुशी खुशी कर रहे हैं अपने अगर आदमी अपने घर पे पेंट करवाया उन लोग ने खुद एक एक गली अगर आप देखोगे तो पेंट लगा है राम मंदिर के नाम से बना हुआ है जय श्री राम लिखा हुआ है बहुत चीज वहाँ पे बनी है मैं खुद गया हूँ भाई इतनी अच्छी बहुत कॉलोनियां दी गई हैं अगर आप जाओगे तो केदारनाथ का सेकंड पार्ट है वो है अयोध्या आपका स्वर्ग अगर आप देखना चाहोगे दोनों को तो लाखों गलती मिलेंगे अच्छाई दोनों को तो लाखों अच्छाई मिलेंगे क्या देखता है भाई मेन देखो जो ये देश है ये भाई देख रहे हैं कि बीजेपी ने गलती कितनी करी ठीक है अच्छाई कितनी करी मंदिर छोड़ो यार और कुछ बताओ हमें अच्छाई क्या हिंदुओं के लिए भाई मंदिर ही बहुत था हम लोग के लिए हिंदुओं के लिए मंदिर ही बहुत आ गई बात बात आ गई हिंदुओं के लिए मंदिर क्या कहा था मंदिर बहुत था बस बात खत्म यहीं पे। अब इनको वो ये वोटर तो यही है देखिए 10 लोग लगभग है 10 में से तो एक अकेले आप भाजपा के विरोध कर रहे हैं बाकी सब 9 लोग तो भाई हम भाजपा का नहीं विरोध कर रहे जो इस देश के साथ गलत करेगा इनको भी तो फ्री राशन मिल रहा होगा सरकार सही भाई भाई इनको भी तो खाने को मिल रहा है अगर बाप दादा इतना बना के गए कि हमें फ्री की जरूरत नहीं है देखो यहाँ सबके बाप दादा बनाते हैं पर भाई जो फ्री की चीज है हमें देश चाहिए जो फ्री की चीज मिलती है लेकिन सुनो एक मिनट अगर बनाते सभी हैं देखो सबका बना मैं भी कमाता हूँ मैं भी खाता हूँ अगर मुझे फ्री का एक गिलास पानी का भी मिलेगा ना तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा ये आप भी जानते हो भाई तो इतना हर इंसान की सोच का फर्क होता है तुम ये हो तुम सोच हमको नहीं बदलने की जरूरत है सोच हमको बदलने की जरूरत नहीं सोच तुमको बदलने की जरूरत ये कह रहे ये कह रहे हैं इनके लिए मंदिर बहुत है अब हम ये कह रहे हैं जिस दिन देश नहीं रहेगा उस मंदिर में तुमको कितने लोग पना देंगे उस मंदिर में यहाँ की आबादी कितनी है देश में आबादी कितनी है देश की आबादी पता कितनी है भाई आप नहीं बोलो देश की आबादी 140 करोड़ है मंदिर में कितने लोग रह लेंगे अरे मंदिर में जाए भाई एक मंदिर नहीं है फिर हम लोग का फिर एक मंदिर नहीं है फिर वैष्णो देवी पूर्णागिरी केदारनाथ सब जगह है भाई यहाँ तो बच्चा कह रहा है देखो अगर यहाँ पे खोद देंगे ना यहाँ से ही मूर्ति निकलेगी आप चेक करके देख लो एक बार अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो घर में भी मंदिर घंटा घर पे ही मंदिर निकलेगा भाई बता दो ये माइंड वॉश नहीं है तो क्या माइंड वॉश आप बताइए माइंड वॉश नहीं है तो क्या अब ये कह रहे हमें अखंड भारत बनाना है तुम अखंड भारत बना के दिखाओ कैसे बना सकते भाई नहीं हुआ था अखंड भारत की बात नहीं छिड़ी थी लोकसभा में बात नहीं छिड़ी थी अखंड भारत मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल बात हम कुछ कह रहे हमने इनसे थोड़ी ना कहा कि भाई ये बड़ा इमाम बड़ा बना है तो इसमें मतलब इन लोग के आस्था का चीज निकला होगा तभी इमाम बड़ा बनाया भाई कोई होगा राजा महाराजा रह रहा होगा तभी वो बनाया ठीक है अभी मैं वहीं पर जाके 50 साल पुरानी एक मंदिर की मूर्ति चुप्पे से जाके रख दूं और खुदवा दूं और कह दूं भैया ये देखो हनुमान जी का मंदिर है अब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनेगा तो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा आप बताओ ये बात ये जिस तरीके से चल रहा है सब डिक्टेटर वहाँ मंदिर बन सकता है यहाँ पे भाई अच्छा बताओ टावर पे मंदिर बन सकता है यहाँ पे भाई अगर ऐसे लोग रहेंगे तो बिल्कुल बन सकता भाई क्यों नहीं बाबा की कृपा से है मैं कह रहा हूँ कसम खुदा की कोई नहीं रोक सकता यहाँ मंदिर बन के रहेगा अगर ऐसे जैसे लोग भाई ऐसा अगर हम जैसे धर्म होंगे तो भाई तुरंत बनेगा भाई शर्त लगा लो आप कर लो भाई बात कर लो हम नहीं बात करवाएंगे जी अब ये देख लो क्या कह रहे हैं घटा कर माइंड वॉश हो गया है भाई अच्छा तुम्हारा माइंड देश की बात करो भाई मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ ये बात याद रखना अच्छा एक चीज भाई देश में देश के साथ क्या हो रहा है ये तो देख भाई देश के साथ इंसान ऐसा काम ही कर रहा है इंसान ऐसा काम ही कर रहा है अगर भाई तुम मेहनत से कमा रहे हो तो तुम भी 500 रुपए का कमा रहे हो तो तुम भी अपना ही खाओगे भाई कोई खिला नहीं जाएगा तुम्हें और तुम पहले बात तुम देश चला रहे हो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो टैक्स दे ही नहीं रही है तो तुम देश थोड़ी चला रहे हो खाने पीने की बात अगर मंदिर पे कोई मंदिर पे चले जाओ आज भगवान की दुआ से ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा अगर तुम अयोध्या की बात कर रहे हो ना तो तुम भी वहाँ के रहन बसेरे में चले जाओ तुम्हें फ्री खाना मिलेगा एक टाइम का ये आप जानते हो कंबल अम्बल सब मिलते हैं या आप अगर आप मक्का मदीना चले जाओ एक बात बता रहे भाई अगर मक्का मदीना चले जाओ या सऊदी अरब चले जाओ भाई तुम्हें वहाँ रहने खाने को भी पैसा लगेगा तुम्हारा ये आप भी जानते हो तो भगवान से अगर हम मिलने जा रहे हैं तो भगवान को हम पैसा दे के जाएंगे भगवान मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ 500 रखो पहले कॉल पे बात करता हूँ फिर आऊंगा तुमसे मिलने ये सब नहीं हो रहा भाई यहाँ पे ये आस्था से मजाक कर रहे हैं फिर ये भाई हम किसी की आस्था से ये खाने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊं भाई आप इधर थोड़ा दिखाइए तो देखो ऐसे खाना बांटने की बात हो रही मैं खुद अकेले बांट रहा हूँ मेरे जैसे यहाँ पता नहीं मैंने अकेले 60-70 लोगों को खिलाया था ये वीडियो प्रूफ है ठीक है इसमें तुम तो कंबल बांटने की बात करो मैंने अकेले ने बांटा था तो यह मेरे तो एक मेरे भाई किसी लिए नहीं मेरे पास पैसे थे मैंने कर दिया इसमें कोई बात नहीं है अब मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर मेरे पास है, मैं एक को बांट दिया, मैं चलो 100 लोगों को खिला दिया, मैं अकेला कितनों को नहीं खिला। भगवान उतना दे रहा है, फिर तुम कर रहे हो ना, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास, बात मैं कह रहा हूँ भाई, अगर तुम ना हो तो कमा रहे हो, भी यहीं ले पहना के एक फोटो खींच के चला जाता तुम्हारे साथ। और तुम अगर तुम बांट भी रहे हो तो भाई मेरी बात का बुरा ना मानना रहमान, अगर तुम बांट भी रहे हो तो इसको गुप्त दान होता है, जो चुप्पे चाप दे दो, किसी को बताओ ना, तुमको ये वीडियो बना के दिखाना है। ये वीडियो जैसे तुम अभी वीडियो दिखा रहे हो यहाँ पे, भाई बुरा होता है कि नहीं, किसी का फेस रिवील नहीं कर सकते हैं उसकी परमिशन के बगैर। आप भाई उसमें किसी की, इधर हो, बिना किसी की परमिशन के नहीं किया था, ठीक है। बात ये आई, पहली बात तो ये है, कार्य कर रहे हैं, सुनिए मैंने बताया, मैंने कंबल बांटा 50-60 लोगों को कंबल बांटा। अब ये होता है कि मतलब हमने फेस नहीं दिखाया किसी का, 1 मिलियन के ऊपर व्यूज जाएंगे, एक बार में पैसा कवर हो गया भाई, मान चार पे आप भी जानते हो। ये देख लो आप इंस्टा पे कहां घूम गए, ये डिक्टेटर जी चुनाव की बात से ये बात कहाँ लेके चले गए। तो इन लोगों का माइंड वॉश नहीं तो और क्या भाई, तुम जीडीपी देखो, तुम देश की हालत देखो कहाँ जा रही है। ये लोग लॉजिकल बात कर ही नहीं रहे, मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, फिर बात ही खत्म हो गई उसके आगे। उन्होंने मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, सरकार ने क्या किया देश के लिए साले, ये तो बताओ। बहुत काम बता दिया, काम बताओ, काम भी ना हो, पहले मंदिर बनवाया, देश का उससे क्या गया भाई, देश का उससे क्या हुआ। 130 था ना, 130 एयरपोर्ट थे, 130 था, 150 बना है, 150 बन गए, ठीक है। और दूसरा चलो ठीक, 150 एयरपोर्ट बना, ठीक है। कितने थे, रुक जा, नहीं नहीं बता, चलो हम बता रहे, मुंह का है पकड़ लो, तुम बीच रहो। चलो 150 एयरपोर्ट बनवा, 200 एयरपोर्ट बनवा दिए आगे, इतने सारे मंदिर बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए। हाँ, आम जनता का क्या हुआ, कच्ची रोड पक्की हो गई, गाँव में जाके देखो अंदर, गाँव की हालत देखी क्या भाई। हम खुद गाँव में भी सीतापुर से हो क्या भाई, सीतापुर पे रोड देखी थी पिछले साल, गया था मतलब 2-3 साल बेटा, आप देख लो जाके रोड भाई, इतनी बढ़िया बनी है, कुछ कहने को नहीं। अगर ऐसी बात चलो, रोड बनवा दिया, चलो सड़क सुधरी है, सड़क सुधरी है भाई, सड़क सुधरी है। और काम बताओ अब भाई, तुम ही बता दो कुछ भाई, हम गलत बता रहे, हम नहीं, हम उनकी बुराइयां गिनवा रहे हैं, तुम अच्छाई गिनवाओ भाई। तुम अरे राशन को फ्री को छोड़ो, यहाँ मंदिरों में ऐसे बढ़ जाता है कि पता नहीं चलता है कि 10-20 क्विंटल कहाँ चला गया राशन, पता ही नहीं चलता भाई, ऐसे बढ़ता है मंदिरों में हम लोग की तरफ। तो अयोध्या काम गिनाओ, सरकार के काम गिनाने की बात हो रही है, काम गिना रहे भाई, ऐसे थोड़ी ना बढ़ रही है। उसको नहीं पैसे दे रही, जनता चंदा देके जा रही, उस पैसों से वो सब हो रहा है भाई। जनता भी पैसा नहीं दे रही, हम लोग की श्रद्धा है जो हम लोग को देना पड़ रहा है। अगर आप चाहो भाई, एक चीज बताए भाई, अगर आपका मन होगा 1 रुपया देने का तो आप 1 रुपया दोगे, अगर आपका मन होगा 50,000 देने का तो आप 50,000 दोगे, जैसे आपका देन वैसा आपका देन। काम गिनवा सरकार भाई, काम गिनवा दिया है भाई, अब तुम गिनवाओ, हाँ चार काम गिन गए, अब तुम गिनवाओ, फिर हम उस पर बताते हैं तुमको। चार काम गिनवा, अरे यार तुम एक बात बताओ, सुनो रुक जाओ, कौन सी टीम के समर्थक भाई, एक मिनट, हम समर्थक किसी के नहीं। ये बताओ 2004 में 2005 में यहाँ की जीडीपी क्या थी भाई, नहीं पता गूगल करो, नहीं पता, तुम देखो गूगल करो, और आज क्या जीडीपी है, इस सरकार ने कितना कर्जा लिया कुछ पता है, 14-18 हजार करोड़ कर्जा लिया, जितनी पिछली 4 सरकारों ने कर्जा नहीं लिया था। ये कर्जा कहाँ से, अपने कर्जे के पैसा लेके आया मोदी जो ये कर्जा दे रहे हैं, कर्जे की बात कर, अरे सुनो, कर्जा लिया है भाई 2000, तुम उधार लो, तुम्हारा कर्जा बाकी था, तुम भी 2000 दो, हम भी 2000 दे रहे, सब लोग कर्जा मिला के पहले वहाँ जाके दे जाते हैं, फिर अपने नाम पे कराते हैं कि हाँ ये हम लोग का चल रहा है। अंबानी का कितना, अंबानी का, हम मुकेश अंबानी का कितने करोड़ का कर्जा माफ किया बीजेपी ने, बताना जरा कितने करोड़ का। और यहाँ गरीब किसान है, 4 लाख का ट्रैक्टर अगर ले रहा है वो 4 लाख के लिए फांसी लगा लेता अगर वो पैसे नहीं दे पाता है। ये सब क्या बात करिए, आम जनता को नहीं देख रही है, ये देख रहे हैं मंदिर में ट्रैक्टर देख रहे, और 10-10 बीघा की वो नहीं देख रहे, जमीनें पड़ी हैं वो नहीं देख रहे, 1-1, 2-2 करोड़ की बिक्री है। अब क्या बताए, जमीनों को देखो पहले, ट्रैक्टर ऐसे ही नहीं ले रहा कोई। ये बताओ तुम जो जमीन, सुनो, जो जमीन तुम पहले 5 लाख की लेते थे उस जमीन का रेट आज तुम 25 लाख में बेचना चाह रहे हो, और 4 16 सिलेंडर आज 1,000 रुपए में खरीदने। हम ये कह रहे हैं बाप की चड्डी फटी पड़ी है, जो मीम थी बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा चिल्लाए मोदी मोदी, यही चीज हो रही है और कुछ नहीं। भाई किसी की चड्डी नहीं फटी भाई, 150 वाली किसान 100 लाख रुपए के लोन के लिए सूली चढ़ जा रहा है, अपनी जान दे रहा है, वो तुमको नहीं दिख रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है। भाई जितनी कसम से ये लोग कह रहे हैं, सुन भाई, कर भी कौन रहा है भाई, इसमें भी आप देख लेना, पूरा लिस्ट देख लेना, आधे ज्यादा मुस्लिम लड़के होंगे जिन्होंने रेप किया होगा, हिंदू लड़का कोई नहीं करता, हिंदू लड़का ये भी देखता है। अब ये क्या बोल रहे हो, ये बात अभी तनाव बदलेगी, पहले जाके लिस्ट देख क्या, जितने बीजेपी के नेता है
क्रिमिनल है एक से बढ़ के एक, आज वो भाजपा में आ गए, उनका चिट्ठा साफ हो गया। जब तक वो क्या नाम है कांग्रेस में थे, समाजवादी में थे, तब तक वो गुंडा थे, बीजेपी में आने के बाद वो क्या नाम है उनकी पूरी चिट्ठी साफ हो गई है। मुस्लिम की यहाँ बात नहीं करना, अपनी अपनी बात करो। ये भाई साहब है भाई, बात हो रही है भाई, वो सीरियस नहीं बात हो रही है, सीरियस नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो, रेप किया सर मुसलमान, चोट कौन किया है, देखा देखा कहाँ देखा तुमने, कहाँ देखा तुमने, तुमने कहाँ देखा है भाई, इसने कहाँ देखा ये बताए जरा, देखा है तुमने, देखा कहाँ है, कहाँ देखा, इधर आओ इधर आओ, तुम यहाँ प्रूफ करके जाओ, इतनी बड़ी चीज बोली तुमने, कहाँ देखा तुमने, भाई भाई रुकिए, लिस्ट दस बात नहीं, बड़ी बात बोल दी यार, कैसी बात कर रहे हो, बताओ लिस्ट, लिस्ट दिखाओ, लिस्ट देखो, कहाँ देखा तुमने भाई, बीजेपी पे देखा, देखा तुमने बे, कहाँ देखा तुमने सत्यम, ये बताओ बाबा, सत्यम कहाँ देखा, कहाँ से मुसलमान है बताओ, हिंदू नहीं है, ओए रुको, मुसलमानों को हल्के में ले रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, अरे भाई बात कर रहे, कुछ गलत बात नहीं हो रही, ये है यहाँ के फोटोग्राफर, कुछ है कुछ यहाँ पर आकर के फोटो खींचते हैं, और ये लोग आपस में जब जब भाई मैं तो ये लोग आपस में बोलते बोलते एक दूसरे से विवाद करने पर बैठे, अब इनको खत्म कराया जा। चलिए पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखते रहिए लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक गुप्ता, अभी हम लखनऊ के घंटाघर में मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।